हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज 27 मई है। आज से 3 दिन बाद 1 जून से इग्नू का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और इस बार बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नू के थ्रू एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट दिग्ना फैमिली की तरफ से। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम इग्नू के अंदर में एग्ज़ाम देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियोज़ डाली थी, जिसके अंदर में हमने पहली वीडियो के अंदर में बात करी कि इग्नू के लिए जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे जा रहे हैं, तो हमें क्या चीज़ को कैरी करना चाहिए और क्या चीज़ को कैरी नहीं करना चाहिए, इसके बारे में डिस्कस किया था। क्या क्या चीज़ें हम लेके जाएंगे तो अच्छे से हम एग्ज़ाम दे पाएंगे और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में हमने बात किया था। दूसरी चीज़ यहाँ पर हमने बात करी कि जो लैंग्वेज होती है, आपने मान लो इंग्लिश लिखा है आंसर शीट के ऊपर में और आप हिंदी में आंसर लिख रहे हो, तो क्या वो वैलिड माना जाएगा? आपने रजिस्ट्रेशन जो इंग्लिश लैंग्वेज में करवाया और हिंदी में एग्ज़ाम दे रहे हो, तो क्या वो वैलिड माना जाएगा, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तीसरा, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, आंसर शीट को फिल कैसे करना चाहिए और आंसर शीट को फिल करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से 4 पॉइंट्स हैं जिनको हमें आंसर शीट को फिल करते समय देखना चाहिए, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, जो बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक स्टूडेंट जो बहुत अच्छा है, ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा पढ़ने वाला है, पर वो अच्छे से आंसर शीट भी लिख कर आता है, बहुत अच्छे नंबर मिल सकते थे, पर उसने आंसर शीट को जो फिल किया वो गलत कहीं कर देता है, अपना एनरोलमेंट नंबर या कहीं पे कुछ गलत कर देता है, उसके कारण से उसका जो आंसर शीट है वो इनवैलिड हो जाता है और दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है। दोबारा एग्ज़ाम देने का मतलब होता है 1 साल बर्बाद, ठीक है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम को करते समय किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको कि जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, आपकी हॉल टिकट के जो इंस्ट्रक्शन है उसी के अंदर में से बताने वाला हूँ। तो आप भी अपना हॉल टिकट जरूर निकाल लें, प्रिंट कर लें और उस इंस्ट्रक्शन को मेरे साथ में आ जाओ, पढ़ते हैं, जिससे आपको समझ में आए, मैं आपको बता पाऊँ कि क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह से हमें ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है एनरोलमेंट नंबर का, जो मैंने अभी आंसर शीट को फिल करते समय बताया आपको कि एनरोलमेंट नंबर नॉर्मली 10 डिजिट का होता है, पर कई बार क्या होता है कि 10 के बजाय 9 डिजिट आ जाते हैं, ठीक है। कई गलती से रेयर नंबर होता है कि 9 डिजिट लिख दिए गए, तो 9 डिजिट आ गया, तो हम करना क्या है, तो जब आप 9 डिजिट फिल कर देते हो तो 10 डिजिट पे आप एक्स का निशान लगा दें, ठीक है, क्रॉस का निशान लगा दें, जिससे ये समझा जाएगा कि आपका एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे एंड होता है, ये माना जाएगा। कई बार टीचर्स जो होते हैं, जो वहाँ पे एग्ज़ाम इंचार्ज होते हैं, वो सजेशन देते हैं कि 0 लगा दो, कुछ और लगा दो, तो आप उसको मत माने और एक्स का निशान लगाएं, क्योंकि आपके जो हॉल टिकट है उसके अंदर में भी इंस्ट्रक्शन के अंदर में यही दिया गया है, ठीक है। आप इंस्ट्रक्शन नंबर अगर फर्स्ट पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आता है। और रेयर चांस होता है कि किसी स्टूडेंट का 10 के बजाय 9 डिजिट का होता है। दूसरा ये रहता है कि जैसे मैं एमए हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो हमारा माइंडसेट रहता है कि हमें ज़्यादा लिखना है, और एक र्यूमर भी है बच्चों के अंदर में कि एमए हिस्ट्री मतलब पेज भरना, ठीक है। वो हमेशा पूछा जाता है कि सर कितने पेज में आंसर कंप्लीट करना है, तो पेज से कोई लेना देना नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट का, एमए हिस्ट्री हो, एमए इंग्लिश हो, या कोई भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो, बीए, एमए, कुछ भी, पेज से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि एक पॉइंट होता है, एक दायरा होता है कि इस आंसर को, इस क्वेश्चन के आंसर को इतने ही वर्ड लिमिट के अंदर में लिखना है, दायरा होता है, हर चीज़ का एक लिमिट होता है, तो आपको वर्ड लिमिट के बारे में पता होना चाहिए कि किस क्वेश्चन का कितना वर्ड लिमिट है, उसके अंदर में लिखना है, और उसी के अनुसार आपको जो आंसर शीट दी गई है वो फुलफिल करती है। तो यहाँ पे उत्तर जो पुस्तिका होता है, आंसर शीट होता है, आपको एक्स्ट्रा नहीं दी जाएगी, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं मिलता इग्नू के अंदर में, इस बात का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप 3 क्वेश्चन के अंदर में पूरा आंसर शीट भर दें, उसके बाद आप एक्स्ट्रा मांगने के लिए जाएँ तो एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बच्चे की 3 ही क्वेश्चन 4 ही क्वेश्चन में पूरा आंसर शीट भर देते हैं, 25 पेज 30 पेज भर देते हैं, और जब वो टीचर से लेने के लिए जाते हैं तो टीचर डिक्लाइन करता है, क्योंकि इग्नू के अंदर में एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं दी जाती है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखें। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या आता है कि यहाँ पे जब आप परीक्षा के दौरान में जो भी आपका नाम है, रोल नंबर है, अपने हस्ताक्षर जरूर चेक कर लें, जो आप साइन करोगे आंसर शीट के ऊपर में, तो उसको भी जरूर चेक कर लें, कहाँ पे साइन करना होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझ में आए। यहाँ पे देखोगे नॉर्मली तो यहाँ पे साइन करना होता है टीचर्स के, आपके जो स्टूडेंट है वहाँ पे साइन होता है स्टूडेंट्स के, और यहाँ पे जो टीचर आपका एग्ज़ाम ले रहा है यहाँ पे टीचर के साइन होते हैं, और इधर मोहर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होती है, आप जरूर ध्यान से करें और इन चीज़ों को चेक जरूर कर लें कि आपने अपने आंसर शीट पे साइन किया है नहीं किया है, जो टीचर था उसने साइन किया कि नहीं किया, आपका आंसर शीट पे मोहर लगा कि नहीं लगा, ये 3 चीज़ों को भी जरूर चेक करें, क्योंकि अगर तीनों में से कोई एक भी चीज़ मिसिंग है तो समझ लो आपका आंसर शीट इनवैलिड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप इनका भी ध्यान रखें। साथ साथ में दोस्तों, जब आप इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हो तो उसके बाद आते हैं हम 15वें पॉइंट के ऊपर में, क्योंकि टोटली इसमें 20-21 पॉइंट्स बताए गए हैं, तो सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली हम 15वें पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो एग्ज़ाम के लिए हमारे हिसाब से बेहद ज़्यादा ज़रूरी है।
यहाँ पर आप जब हॉल के अंदर में जाते हो, जो आपका सेंटर पड़ा है, एग्जामिनेशन सेंटर पड़ा हुआ है, वहाँ पे जाते हो तो 15 मिनट बाद, मतलब जो जैसे एग्ज़ाम स्टार्ट होने के लिए, एग्ज़ाम जो भी टाइमिंग है, मान लो 10 बजे स्टार्ट होना है, तो 10 बजे के 15 मिनट तक ही आपको एंट्री अलाउड की जाती है। एग्ज़ाम स्टार्ट होने के बाद आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर बटने के 15 मिनट तक, जब तक, क्योंकि 15 मिनट का होता है आंसर शीट फिल करने का टाइम होता है, तो उस समय तक एंट्री अलाउ होती है, आप अंदर जा सकते हो एग्जामिनेशन सेंटर के। उसके बाद एंट्री अलाउ नहीं की जाती है। अगर कहीं जाने दे दिया तो आपकी किस्मत है, बट अलाउ नहीं की जाती है। तो जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, आप पहले से ही देख ले कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है, किस जगह जाना है, कैसे जाने का साधन है, किस तरीके से आप पहुँच सकते हो, क्या टाइम लगेगा, वो सब कुछ पहले से ही मैनेज करें और टाइम से थोड़ा पहले पहुँचें, ठीक है, जिससे आप टाइम से अंदर पहुँच सकें, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता है कि जो अगर कोई वैलिड रीज़न है आपके पास में, मान लो कोई अच्छा ऐसा वैलिड रीज़न है, कारण है, जिसके कारण से टीचर को समझ में आ रहा है, मतलब टीचर आपसे सहानुभूति रखता है कि हाँ चलो ये थोड़ा सा समझ में आ गया टीचर को, या जो भी एग्जामिनेशन चार्ज था उसको समझ में आ गया, तो शायद आपको अंदर एंट्री मिल जाए। पर नॉर्मली एज़ पर नॉर्म्स क्या होता है कि 15 मिनट जब तक आपका आंसर शीट बटा नहीं है, क्वेश्चन पेपर बटा नहीं है, जब भी तक आपको अलाउ होता है आपके रूम के अंदर में, आपके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर में, अदरवाइज़ आपको अलाउ नहीं किया जाता। तो इस बात का भी ध्यान रखें। परीक्षा शुरू होने के बाद 1 घंटे के बाद अगर छात्र सोचेगा कि मतलब मैं क्वेश्चन पेपर ले जाऊं, तो उससे पहले, 1 घंटे से पहले वो अलाउ नहीं होता है। 1 घंटे से पहले आप नहीं लेके जा सकते आंसर शीट को, क्वेश्चन पेपर को, सॉरी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर लीक होने के चांसेस होते हैं, तो 1 घंटे पहले अलाउ नहीं किया जाता। 1 घंटे से पहले आप नहीं लेके जा सकते। 1 घंटे के बीतने के बाद ही आप अपना आंसर शीट को सबमिट कर सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं है तो सोचते हैं कि जाना है, देकर आ जाना है बस, तो देकर आने के लिए भी आपको 1 घंटा बैठना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको छोड़कर आ सकते हो, ठीक है। ये आपका 16वां पॉइंट आ जाता है। 17वें 18वें पॉइंट की ओर चलते हैं। 18वां पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे आप परीक्षा केंद्र के बाहर जो आपका आंसर सीट है, मान लो कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैं आंसर नहीं देख लिखना, या कुछ भी है वो चोरी छुपके क्या होता है आंसर सीट भी कई बार बाहर निकालने की कोशिश करते, तो अगर आप इस तरह से किए करते हो और पकड़े जाते हो, ठीक है, तो नहीं पकड़े गए तो आप तो बच गए, पर अगर पकड़े जाते हो तो पुलिस को दी जाएगी, आपको कंप्लेन की जाएगी, आपके खिलाफ़ एक नोटिस जारी हो जाता है, कॉलेज के थ्रू भी एक्शन लिया जाता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि इस तरह की हरकतें ना करें। अगर कोई स्टूडेंट के मन में कि आंसर शीट लेकर आना है, आंसर शीट दिखाना है, तो वो भी इनवैलिड रहता है और आपको के लिए नुकसान करता है। बट ऐसे ही हरकतें कोई करता नहीं है, और ना करने की कोई ऑप्शन मिल पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होती है, इतने ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पर, इस तरह की चीज़ें नहीं होती है, बट फिर भी इन चीज़ों का भी ध्यान रखें, ठीक है। और लास्ट यहाँ पे क्या रहता है कि जैसे जो भी आप हॉल टिकट हैं, जो भी आपने हॉल टिकट को प्रिंट किया है, उसको ज़रूर सेव करके रख लें, क्योंकि आगे उसी से आपका रिजल्ट निकलेगा। एंड रिज़ल्ट के लिए भी मैं बता दूँ तो बहुत सारे बच्चे घबरा रहे होते हैं कि यार मेरा आंसर शीट, मतलब रिज़ल्ट तो आ गया, असाइनमेंट का कब आएगा, कैसे आएगा। तो जो भी आपका असाइनमेंट है और जो भी आपका जून का जो पेपर होगा, उसका रिज़ल्ट दोनों का साथ में ही निकलता है, साथ में आगे पीछे निकलता है, तो उस टाइम तक वेट करें, ठीक है, उस समय तक आपका आंसर शीट आ जाएगा, रिज़ल्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली कुछ ये बातें थी जो आपको एग्जाम देने से पहले आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम के दौरान आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो बाकी वीडियोस भी मैंने अपलोड करी है उनको भी जरूर देखें, जिससे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं अपना वीडियो एंड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप सभी को एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से एग्जाम दें, अच्छे से नंबर से पास हों, और दीन की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।